नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप यदि इस तरीके से स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगाने की सोच रहे हैं तो आपका कितना खर्च हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्टेयर है और स्टेयर के बगल में हमने स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगाई हुई है। यदि हम यहाँ पर स्टेनलेस स्टील के रेलिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं कि नीचे एक बड़ा पाया लगा हुआ है जो कि पिलर का काम कर रहा है, और इसके साथ साथ ऊपर आप देख सकते हैं कि स्टेनलेस स्टील की मोटी वाली पाइप लगी हुई है, और इसके साथ साथ बीच में आप देख सकते हैं कि पिलर के रूप में थोड़ी सी कम डाई वाली पाइप 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 5 लगी हुई है, और इसके बीच के गैपिंग को भरने के लिए आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3 तीन छोटी छोटी यानी कि कम डाई वाली खोखली पाइप लगी हुई है जो कि स्टेनलेस स्टील की है। आप देख सकते हैं कि आपकी पहली पाइप है जो कि वहां से लेकर पूरा नीचे तक लगी है, इसी तरीके से दूसरी पाइप और ये तीसरी पाइप है। और यदि हम इसके पूरे लेंथ की बात करें यानी कि वहां से लेकर यहां तक की यदि हम टोटल लेंथ की बात करें तो टोटल 14 फीट यानी कि 14 फीट है। ठीक है, यहाँ पर मापने के लिए हमने ऑलरेडी पहले से ही माप रखा था, बट कोई मेरे साथ नहीं था इसलिए यहाँ पर टेप को हमने जुगाड़ करके थोड़ा सा लगा दिया है। ठीक है, बट इसकी यहाँ से लेकर वहाँ तक की जो टोटल लेंथ है वो 14 फीट यानी कि 14 फीट है। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि इसको बनाने में टोटल कितना पैसा लग गया, यानी कि जो लेबर आया था वो लगाने के साथ साथ इस मटेरियल सहित कितना रुपये लिया। यहाँ पर जो लेबर आया था वो इस मटेरियल को लेकर आया था, तो यहाँ पर इस मटेरियल की कटिंग करके यहीं पर वेल्ड किया था, और इसके साथ साथ लेबर और मटेरियल सहित पैसा लेकर गया था। तो चलिए अब हम आपको कॉपी पर लिए चलते हैं और बताते हैं कि इस रेलिंग को लगाने का टोटल कितना पैसा लग गया है। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यदि आप स्टेयर के कॉर्नर पर रेलिंग लगाने की सोच रहे हैं तो आपका लमसम कितना खर्च हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज हम आपको बताना भूल गए कि इस रेलिंग की जो टोटल हाइट है वो 2 फीट 8 इंच है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो टोटल ऊंचाई आप देख रहे हैं ये 2 फीट 8 इंच है यानी कि 2 फीट 8 इंच है। ठीक है, अब चलिए हम आपको बता देते हैं कि इस रेलिंग को लगाने में टोटल कितना पैसा लग गया। तो चलिए हम स्टेनलेस स्टील रेलिंग के रेट की बात करें तो इस स्टेनलेस स्टील की रेलिंग को बनाने के लिए वेल्डर ने 714 रुपये यानी कि 714 रुपये पर रनिंग फिट के हिसाब से लेबर और मटेरियल रेट लिया था, यानी कि इस 714 रुपये पर रनिंग फिट में यहाँ पर जितना भी मटेरियल लगा हुआ है वो मटेरियल भी बिल्डर का था, और इसके साथ साथ इसकी कटिंग करके यहाँ पर सेट करने का जो वर्क था वो भी बिल्डर द्वारा किया गया था। तो लेबर मटेरियल सहित 714 रुपये पर रनिंग फिट के हिसाब से लेबर रेट दिया गया था। और यहाँ पर हमने आपको पहले ही माप कर दिखा दिया कि ये पूरा 14 फिट यानी कि 14 फिट है। तो चलिए हम यहाँ पर 14 से गुणा कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि इस पूरी रेलिंग को बनाने का टोटल कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 9,996 रुपये हो गया, यानी कि इस पूरी स्टेनलेस स्टील की रेलिंग को बनाने में लेबर मटेरियल सहित टोटल 9,996 रुपये लग गया। तो इस पूरी रेलिंग को बनाने में हमारा 9,996 रुपये का खर्च हो गया लेबर मटेरियल सहित, और यह रेट मटेरियल की क्वालिटी के हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। तो यदि आप कुछ इस तरीके से स्टेयर के कॉर्नर पर स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगाने की सोच रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका एक बेस्ट क्वालिटी रेलिंग लगभग 714 रुपये रनिंग फिट के हिसाब से लग जाएगा। सो उम्मीद है आपको एक आइडिया लग गया होगा कि स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगाने का प्रेजेंट टाइम में 2023 में कितना खर्च आ रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।